हेलो फ्रेंड्स, ईजिस्ट गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा चाइना पाम का प्लांट है। इसका भी केयर जो है वैसे किया जाता है जैसे कि एरिका पाम का केयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एरिका पाम का इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था। ये देखिए, ये मेरा एरिका पाम है। अब देख सकते हैं कि इसको अभी आज ही जो है बंदर ने इसे तोड़ दिया। ये देखिए कितने अच्छे लीव्स थे, लेकिन फिर भी जो है इसे बंदर ने तोड़ दिया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको काट देंगे। काटने के बाद से फिर ये धीरे धीरे करके सही होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चाइना पाम का। तो इस पाम का भी केयर वैसे करते हैं जैसे कि एरिका पाम का केयर करते हैं। इसमें इसको भी हम शेड में रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट होगी तो इसके लीव्स जो है ऐसे बर्न हो जाएंगे। देख सकते हैं इसके टिप जो है कैसे बर्न हो गए हैं। जब मैं इसे नर्सरी से लाया था तो इसके लीव्स, बहुत सारे लीव्स जो है इसके बर्न हो गए थे। तो मैंने उन लीव्स को निकाला और उसके बाद से कुछ नए लीव्स निकले, जैसे कि ये निकले, ये नया लीव्स है। तो देखिए कितने अच्छे हैं और इसमें जो है बर्निंग नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से और भी जब लीव्स निकलेंगे तो हम ये पुराना जो लीव्स है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है इसे हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और इसका भी सॉइल मैंने 30-30-20-20 के रेशियो में बनाया है। 30-30-20-20 रेशियो का मतलब है 30% मिट्टी, 30% खाद, 20% मोरंग बालू और 20% कोकोपीट। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें केचुए की खाद ले सकते हैं, या फिर घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर पत्तियों की खाद ले सकते हैं। मतलब कोई भी खाद हो आप उसे ले लीजिए 30% में। इस प्लांट को मैंने एक हफ्ते से पानी नहीं दिया है, देखते हैं अब इसकी क्या कंडीशन है। ये गिर गया, ये ड्राई हो चुका है थोड़ा थोड़ा, बहुत हल्का हल्का मॉइस्चर बना हुआ है। तो चाहे तो अब कल जो है इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालते हैं तो बड़े आराम से कल भी ये चल जाएगा। अगर इसकी मिट्टी को 30-30-20-20 रेशियो में मिलाकर तैयार करेंगे तो इसका जो मिट्टी होगा वो वेल ड्रेन होगा, और इसमें जब भी पानी डालेंगे तो बहुत आराम से जो है बॉटम के रास्ते जो है ड्रेनेज होल है उससे जो है निकल जाएगा। चूँकि ये प्लांट शेड लविंग है इसलिए इसमें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर जो डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा उसमें मैक्सिमम पानी जो होता है सूर्य के प्रकाश से उड़ जाता है। अब तो इसे शेड चाहिए, तो शेड में सूर्य का प्रकाश जो पड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से पानी उड़े और इसके प्लांट की जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी पानी की वो धीरे धीरे लेता रहेगा। और एक बार पानी देंगे तो हफ्ता 10-10 दिन तक जो है बड़े आराम से चल जाएगा। एक हफ्ते, देखिए एक हफ्ते गर्मी के महीने में भी बड़े आराम से एक हफ्ते चल जा रहा है, एक हफ्ते से ऊपर ही चल जा रहा है। इसका एक और नाम है चाइनीज फैन भी इसे बोलते हैं, चाइनीज फैन पाम। जब ये प्लांट और बुशी हो जाएगा, जैसे ऐसे लीव्स है, जब ये और भी बुशी हो जाएगा तो ये काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। और इसे आप कमरे में कहीं टेबल के ऊपर रखेंगे तो ये जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे प्लांट में ये न्यू लीव्स निकल रहा है। आपको ये ब्राउन लग रहा होगा लेकिन ये नया लीव्स है। अभी देखने में सिर्फ लग रहा है कि ये जो है लीफ जो है सूख गया है, लेकिन इसकी टेंडेंसी इसी तरह है कि शुरुआत में ऐसे ही दिखेगा और बाद में जब ये पत्तियां इसकी खुलेंगी तो ऐसे जो है ऐसे सुंदर लुक में आ जाएगा। एक बार फ्रेंड्स, आप फिर से कहते हैं कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, आप इसे शेड में रखिए और ब्राइट लाइट में रखिए। ये इंडोर भी रख सकते हैं इसे, और इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। जब टॉप की लेयर जो है ड्राई हो जाए तब इसमें पानी देंगे तो और बेहतर है, क्योंकि जब टॉप की लेयर जब ड्राई होता है तो ऐसा नहीं कि पूरी पूरी मिट्टी जो है ड्राई हो चुकी है, अंदर काफ़ी नमी बनी रहती है। इस वजह से आप टॉप की का जो सॉइल है वो अगर
सूख गया तब जाके पानी दें। हालांकि इसमें मॉइस्चर हल्का सा है तो अगर इसमें कल भी पानी ना दें तो बहुत अच्छे से ये ग्रो होगा। हालांकि जब ज़्यादा एकदम ड्राई हो जाएगा तो लीव्स ऐसे टिप पे जो है ब्राउन होने लगेगी, तो देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम अपने प्लांट में चावल का पानी लगभग हर एक पौधे में देते हैं। जब भी किसी गमले की मिट्टी सूखती है तो हम उसे 12:1 के रेशियो में पानी देते हैं, यानी 12 गुना नॉर्मल वाटर रहेगा और 1 गुना चावल का पानी। चावल का पानी जो है सिंपल रहेगा, जब किसी चावल को हम धुलते हैं जो पानी निकलता है उसी पानी को हम यूज करते हैं, और इसके अलावा हमने इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं ऐड किया है। एक बार हमने इसकी मिट्टी में सिर्फ गोबर की खाद डाला है और तब से जो है इसी तरह ये चल रहा है। और हालांकि हम अपने प्लांट में किसी भी प्लांट में नॉर्मल जो है वाटर जल्दी करते नहीं हैं, ज़रूर उसमें थोड़ा पतला ही रहेगा लेकिन ज़रूर उसमें चावल का पानी ऐड ज़रूर होगा, क्योंकि जैसे प्याज के छिलके का पानी है वो उतना पर्याप्त हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गमले हैं और इसी वजह से, और हम इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना चाहते हैं गार्डनिंग पे, इस वजह से जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हीं वेस्ट चीज़ों को यूज करके हम अपने प्लांट को बेहतर बनाते हैं। इस प्लांट पे तो वैसे पेस्ट का अटैक होता नहीं है, लेकिन अगर आप अगर कहीं देखते हैं किसी तरह का पेस्ट अटैक हो गया है तो आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा लिक्विड सॉप मिला करके इस पर स्प्रे करें तो ये जो है इस पर किसी भी तरह का जो पेस्ट है वो हट जाएगा। अगर उससे भी नहीं हटता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करके इस पर जो भी फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे आप दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर न्यू प्लांट बनाने की बात करें तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो इसमें से और भी प्लांट जो है मल्टीप्लाई करते जाएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो आराम से उस प्लांट को हम जो है निकाल लेंगे और किसी दूसरे गमले में लगाएंगे, जिसकी वजह से एक नया पौधा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी मेरे चाइनीज पाम की, और आशा करते हैं आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी से कुछ न कुछ लाभ जरूर लेंगे, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कोई भी फ़ायदा मिलता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।